जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ कोर्स यानी कि श्री नेमी भक्तामर की भक्ति के संग आज हम फिर से डे टू के अंदर जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग जूम के माध्यम से भी आ चुके हैं और जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ना शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुँचते हुए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करते हुए कि ज्ञानवर्धक बातों के साथ कैसे गिरनार का महत्व हमारे जीवन में है, नेमिनाथ दादा की भक्ति का रंग हमारे जीवन में क्या शक्ति ला सकता है, उसकी बहुत सारी ज्ञान चर्चा और साथ साथ में आज हमारे साथ पांच बेहतरीन ऐसे लोगों को हम मौका देने वाले हैं कि जो अपने हिसाब से नेमिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे अपनी भावधारा में 2 से 5 मिनट के लिए। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज शांतिनाथ परमात्मा का 2 कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक एवं जन्म कल्याणक। तो दोनों कल्याणक के उपलक्ष्य में आज का हमारा मेडिटेशन, आज का हमारा ध्यान रहेगा हाउ टू अचीव पीस इन आवर लाइफ। शांतिनाथ परमात्मा के उत्तम मंत्रोच्चार के साथ जीवन में हम कैसे सुख शांति को प्राप्त करें। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स फॉर आवर स्टार्टिंग प्रेयर और दिल से नेमिनाथ परमात्मा का वास हमारे जीवन में हो। शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते करते शांतिमय हम सब बने, उस भावना से शुरू करते हैं हमारी प्रार्थना के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोए सर्वसाहूणम, ऐसो पंच नमुकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दातार, मनोवांछित फल दातार। नेमिनाथ परमात्मा की वंदना एक स्तुति के माध्यम से करेंगे। पिता समुद्र विजय तथा माता शिवा देवी नंद जे ने याद वो ना कुल नभे जाने प्रगट्यो चंद्र जे बावीश मा जिनेन्द्र मारग शिवनो देखाण जो ओम रिम सवि शुद्ध ब्रह्मचारी नेमिनाथाय नमो नमः, नेमिनाथाय नमो नमः। मोती समाजे भासता हरिवंश रूपे शक्तिमा गोमेद यक्षण देवी अम्बा शांति करता संघमा जाप करता आपनो ने ध्यान धरता आरदयमा ओम रिम सवि शुद्ध ब्रह्मचारी नेमिनाथ ने नमो नमः, श्री नेमिनाथ ने नमो नमः। बोलो बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान की जय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिरनार जी के साथ गिरनार की भक्ति हमारे जीवन में क्या शक्ति ला सकती है, गिरनार तीर्थ का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। पांचवी टूक तो ये शत्रुंजय की है ही है, पर और गिरनार तीर्थ के अंदर क्या ऐसा मैजिक छिपा हुआ है, क्या ऐसा चमत्कार छिपा हुआ है। और गिरनार तीर्थ के जाप से, खाली गिरनार तीर्थ के आलंबन से भी हमारे जीवन में किस तरह की पुण्य लक्ष्मी, पुण्य की शांति
और पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बोलते हैं कि जनरेट होते हैं। तो क्या है ये गिरनार तीर्थ? तो गिरनार तीर्थ यानी वर्तमान विश्व के सबसे प्राचीन मूर्ति को स्थापन अपने ऊपर करने वाला नेमिनाथ परमात्मा की जो मूर्ति है, वो मूर्ति इस वर्तमान विश्व में हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्राचीन है। तो सबसे पहला महत्व गिरनार तीर्थ का कि प्राचीनतम मूर्ति जहां पर स्थापना की हुई है। दूसरा, ये तीर्थ का खाली नाम का प्रभाव क्या है? इस तीर्थ के नाम प्रभाव से, नाम स्मरण से कृष्ण महाराजा ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है। आप सोचो कि श्री कृष्ण महाराजा और जिनके बारे में भी हमारे पास बहुत सारी कथाएं हैं, उनका वो भी हमारी आवती चौबीसी के अंदर भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा का वो जीव है। तो वैसे कृष्ण वासुदेव, कृष्ण महाराजा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है गिरनार तीर्थ की भक्ति से, गिरनार तीर्थ के प्रभाव से। तो तीसरा महत्व है कि हम सब अगर घर पे बैठे बैठे भी, हम सब अगर घर पर बैठे बैठे भी गिरनार तीर्थ की भाव पूर्वक स्मरणा करते हैं, वंदना करते हैं, भाव स्पर्शना भी अगर हम करते हैं, तो नित्य ध्यान के माध्यम से चौथे भव में मोक्ष निश्चित है। शत्रुंजय के लिए जैसे कहा गया है कि सात यात्रा चोवियारो छठ करीने जे करे, एनु तीसरा भव नी अंदर मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है। वैसे ही गिरनार तीर्थ का ध्यान, गिरनार तीर्थ का जाप और गिरनार तीर्थ की भक्ति करने से भी हमारे जीवन में जिस एम के लिए हम ये सारे कार्य करते हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी है स्पिरिचुअल कोर्स को डेवलप करने की? तो रीजन है कि स्पिरिचुअल हमारे अंदर, स्पिरिचुअलिटी जब आएगी, स्पिरिचुअल जब हम खुद को, हमारे धर्म को सीखना और डीप में समझना जैसे ही शुरू करेंगे, हमारे जीवन के अंदर धीरे 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 हर प्रकार की उन्नति जो हम चाहते हैं, हम जिस कर्म के बंधनों को छोड़ना चाहते हैं, हम बोल तो देते हैं कि राग और द्वेष नहीं करना है, हम बोल तो देते हैं कि लेट गो करो, पर क्या ये रियल में हमसे होता है? ये भी एक प्रश्न है। हर एक सिचुएशन में क्या हम लेट गो कर सकते हैं? नहीं हो पाता है। तो अगर हम देखो, हम सब जैन है, रिलीजियस तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जब हमारे साथ एक रिलीजियन के साथ साथ स्पिरिचुअल खुद को अवेकन करने का पावर आ जाए, खुद को हम जैसे ही बोले मोटिवेट करें एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तब जीवन में हम रियल में लेट गो का पावर, फॉरगिवनेस का पावर प्राप्त कर सकते हैं। फॉरगिवनेस बहुत अलग अलग तरीके से होती है। फॉरगिवनेस खाली बोलने से होती है, जो हम पर्यूषण में कर देते हैं। सवनसरी के दिन हम क्या करते हैं? શું કરીએ છીએ? વર્ષાબેન કયો તો સવનસરી ના દિવસે શું કરશો તમે? સવનસરી ના દિવસે સર્વ જીવોને ખમાવીને મિચ્છામી દુક્કડમ, અંતકરણથી મિચ્છામી દુક્કડમ આપશો. બરાબર છે. શું એનું મહત્વ છે, કહી શકશો એક લીટીની અંદર? એટલે એનું મહત્વ એ છે કે આજે ત્યાં સુધી આપણાથી જે કઈ જાણતા અજાણતા કોઈનું પણ મન દુભાયું હોય, કોઈ પણ એવું કઈ કાર્ય થયું હોય, એના માટે થઈને આપણે ખમાવીને મિચ્છામી દુક્કડમ માંગવાનું છે. બહુ સરસ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના વર્ષાબેનની. મિચ્છામી દુક્કડમ હમ બોલતે હૈ સવનસરી કે પર્વ કે દિન, જૈસે હી પ્રતિક્રમણ કિયા, પ્રતિક્રમણ કે અંદર ભી બોલા જાતા હૈ સબસે પહેલા સકળ સંઘ કો મેં મિચ્છામી દુક્કડમ કરતી હું યા કરતા હું, વો પહેલા મિચ્છામી દુક્કડમ દેતે હૈ, ઓર ઉસકે બાદ હમ હમારે રિશ્તેદારો કે ઘર જાકે, અભી તો ફોન પે વોટ્સએપ પે મિચ્છામી દુક્કડમ કે સંદેશ ભેજતે હૈ. તો સબસે પહેલા મિચ્છામી દુક્કડમ હુઆ આજ કે લેટેસ્ટ, અગર યુ નો પ્રસ્પેક્ટિવ મેં બોલું તો વોટ્સએપ સે પહેલા મિચ્છામી દુક્કડમ વોટ્સએપ કે માધ્યમ સે હમને સબકો ભેજ દિયા, ગ્રુપ કે અંદર સેન્ડ કર દિયા, રાઈટ. દૂસરા મિચ્છામી દુક્કડમ હમ મુંહ સે બોલ કે કરતે, જૈસે કિસી કા ફોન આયેગા દો સે તીન દિન તક સબકો હમ મિચ્છામી દુક્કડમ સે બોલતે હૈ, ગ્રીટ કરેંગે કાઇન્ડ ઓફ,
हम जैसे जनरली जय जिनेन्द्र बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वैसे मिच्छामि दुक्कड़म बोल के सबको ग्रीटिंग करते हैं। तीसरा मिच्छामि दुक्कड़म हम करते हैं पाखी के दिन, चौमासी प्रतिक्रमण करने के पहले, पाक्षित जो भी हमारे अतिचार है उस हिसाब से, कि मुझे अगर पूरे 15 दिन में या 6 महीने के अंदर जहाँ जहाँ पर मैंने कोई पाप कर्म किया है उसका मिच्छामि दुक्कड़म। ये सारे मिच्छामि दुक्कड़म तो हम कर रहे हैं, मुंह से बोल के कर रहे हैं, अंतःकरण के, हृदय के, बोलते हैं ना कि उर्मियों के साथ, भावों के साथ हम मिच्छामि दुक्कड़म कर रहे हैं। पर आपको पता है हमें मिच्छामि दुक्कड़म रियल में कब चाहिए? इस क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर मुझे चाहिए। रियल में संवत्सरी का हमने बोल दिया, बराबर है, समझ में आया, टेक्निकली वी ऑल आर डूइंग। बहुत सालों से नानी दादी मम्मी पप्पा ने हमको हैबिट डाला है, वो हैबिट हमारे अंदर भी इनकलकेट हुआ है और हम कर रहे हैं। बट रियल मिच्छामि दुक्कड़म कब करना है कौन बता सकता है? शिवांगी जी आप बताएंगे? शिवांगी शाह, अनम्यूट। ओके कैलाश जी आप बताइए। जेनी साथे आपणे खरेखर વેરભાવ હોય, ખરેખર દુઃખ હોય, ખરેખર હોય, એની સાથે અંતઃકરણ પૂર્વક મિચ્છામિ દુક્કડમ દેવા જોઈએ અને પછી વેરભાવ નહીં રાખવું જોઈએ। ઓકે સર્ટેન પોઈન્ટ ઇઝ કરેક્ટ જે આપણે કવર કર્યું। હજી એક એવી સિચ્યુએશન શિવાંગી જી આપ બોલ સકતે હૈ રિયલ મિચ્છામિ દુક્કડમ કબ એક્ચ્યુઅલી કરના ચાહિયે? જબ કિસી કે સાથ સહી મે કિસી કે સાથ મન મટાવ હો જાતા હૈ, કિસી કે સાથ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और तभी अपने याद आए कि अभी मुझे इस टाइम पे उसको लेट गो करना है और अभी उसको मिच्छामि दुक्कड़म देना है, तब वो सही होगा। बाकी तो हम जो कर रहे हैं वो रिचुअल ही कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है बस उसको फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट। सो इसी पॉइंट को मैं लेकर आना चाह रही थी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर शिवानी जी, कि मिच्छामि दुक्कड़म रियल में कब करना है? संवत्सरी के 2-3 दिन नहीं, मिच्छामि दुक्कड़म हर हमेश करना है। मिच्छामि दुक्कड़म को जब भी हमारे लाइफ के अंदर, एक छोटी सी घटना बताती हूँ, हम सब्जी लेने गए, सब्जी वाले के साथ हमने भावताल नक्की किया, उसका मन कहीं ना कहीं हमने दुभाया, नहीं नहीं मैं तुम्हें 10 रुपये का किलो ही दूंगी, वो बोल रहा था 12 रुपये का किलो ले जाओ, मुझे भी घर पे कुछ जरूरत है, पर हमने बार्गेनिंग करके वो 10 रुपये में से 2 रुपये बचा के, सॉरी 12 रुपये में से 2 रुपये बचा लिए, बट उस 2 रुपये के पीछे हमने कुछ कर्म बांध लिया। तो जहां जहां पर देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रोज का आप 1-1 करोड़ का दान करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जहां पर यथाशक्ति आपसे हो सके एटलीस्ट उस एरिया को तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो 2 रुपये में शायद आपका बंगलो नहीं बंधेगा, पर वो 2 रुपया उस सब्जी वाले के जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसके लिए तो वो 2 रुपया भी 200 रुपये या 2000 रुपये जैसा है। और हम मतलब ऐसे सिचुएशन में है, हम ऐसे लेवल में है कि जहाँ पर 2, 5, 10 रुपया अगर अप डाउन हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर हमारा रियल फर्स्ट मिच्छामि दुक्कड़म शुरू होता है कि लाइफ के अंदर जहां जहां पर मैं छोड़ सकती हूँ, जहां जहां पर मेरे अंदर वो ताकत है, 2, 5, 10 रुपये की ताकत तो हम सबकी है, तो उस ताकत को उस टाइम पर यूज करके एक मिच्छामि दुक्कड़म करना है। दूसरा मतलब हमें वो बार्गेनिंग जहां पर हम छोड़ सकते हैं नहीं करना है और उसको लेट गो करके पैसा दे देना है। दूसरा पॉइंट कुछ ऐसा है कि कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी होती है जिसको हम खुद ने इमेजिन नहीं किया होता है, और जब ऐसी कोई अनइमेजिन सिचुएशन या पर्सन हमारे सामने आ जाए तब लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिल से उसको हमें मिच्छामि दुक्कड़म करना है। और वो मिच्छामि दुक्कड़म कब निकलेगा? व्हेन वी फॉरगिव देम। XYZ has done something wrong with us. सबसे पहला काम करो, visualize that situation, visualize that person, visualize full scenario which is hurting you, जो आपको hurt कर रहा है उस scenario को visualize करो, और
भले तब दुख होगा, मैं समझ सकती हूँ, पर तब आप उसको माफ करो. आई फॉरगिव यू, आई सीक फॉर योर फॉरगिवनेस, यू गो इन पीस, यू स्टे हैप्पी एंड आई एम हैप्पी. इससे सबसे बड़ा जो दिल के ऊपर बोझ है वो सारा बोझ हट जाएगा. तो ये जो हम बोलते हैं कि हमें मोक्ष पद चाहिए, गिरनार महातीर्थ का चौथे भव पर मोक्ष रूपी लक्ष्मी हमें प्राप्त होती है, पर जब हमारी कर्मों की निर्जरा होगी तब सच में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को हम प्राप्त कर सकते हैं. अने नैना बेन कुछ बोलना चाह रहे थे, ये नैना बेन एक लेटी में. ના ના, તો હું મીઠા મે જુગલા માટે કેવા જવા દીધી. બોલો બોલો, મોસ્ટ વેલકમ. ના એટલે જવાબ આવી ગયો કે આપણે ખાલી ફોર્માલિટી માટે બધાને કરીએ છીએ, પણ હકીકતમાં જેને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે એ નાનું બાળક હોય તો પણ આપણે એને ગ્રીટ કર, મીઠા મે જુગલા કેવું જોઈએ, ત્યાં શરમ ન અનુભવી જોઈએ, અને પ્રતિક્રમણ કરતા પહેલા જ કેવું જોઈએ તો એ હકીકતમાં સાચું કહેવાય છે. કરેક્ટ, 100% ટ્રુ. કે વેનેવર હમ જબ ભી હમારે જીવન મે कोई सिचुएशन में फंसते हैं, पहले उस सिचुएशन को मिच्छा में दुकड़म करो. आगे बढ़ते हुए गिरनार तीर्थ का महत्व, तो गिरनार तीर्थ के यहाँ अमास की जो तिथि है, नेमिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए भी अमावस्या की तिथि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है. और अमास की तिथि के दिन अंबिका माता साक्षात, अधिष्ठायिका देवी कौन है, अंबिका माँ, और माँ अंबिका साक्षात सातों शिखर की प्रदक्षिणा लगाती है. सो गिरनार के अंदर रियल में आप अंबिका देवी का बोलते हैं ना कि एक आलंबन लेना चाहते हो, अंबिका माता की भक्ति करना चाहते हो, तो अमावस्या के दिन गिरनार तीर्थ के ऊपर आप हो और अंबा माँ का जाप करते हो तो रियल में आपको वो शक्ति मिलना शुरू हो जाती है. और अगर आप घर पर बैठे हो, अभी गिरनार में नहीं हो, तो फिर भी अमावस्या के दिन जरूर आपको मिनिमम 21 टाइम्स ओम रेम श्रीम अंबिका देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना है. आप नेमिनाथ भगवान की भी माला कर सकते हैं, ओम रेम अरहम श्री नेमिनाथ परमात्मा ने नमो नमः. इस मंत्र का भी जाप आप मिनिमम 21 बार, मैक्सिमम इट इज अप टू यू कि आप 108 बार करके एक माला खत्म करो या तीन माला खत्म करो, इट इज अप टू यू. तो ये हमारी महत्वता है, ये हमारी विशेषता है गिरनार जी महातीर्थ की. और बहुत सारे लोग फेसबुक से भी जुड़ चुके हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू हु ऑल आर वॉचिंग फ्रॉम द फेसबुक. और अब सबका टर्न आने वाला है, सो बी रेडी. फेसबुक से जितने देख रहे हैं आप लोग कमेंट में आंसर देंगे, और यहाँ पर जितने भी जूम के ऊपर पार्टिसिपेंट्स है वो लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में, या तो फिर मैं जिनको अनम्यूट करूँ वो आंसर देंगे. क्विक 5 क्वेश्चंस हम गिरनार के बारे में लेते हैं. चलिए जानते हैं कि आपको गिरनार के बारे में कितना पता है. फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज रैपिड, सो क्विकली आंसर देके क्विकली विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन टू ज्योति बेन जैन. फर्स्ट क्वेश्चन ज्योति बेन, अनम्यूट हो जाइए. आपके लिए क्वेश्चन है, श्री गिरनार महातीर्थ शत्रुंजय का कौन सा शिखर है? श्री गिरनार महातीर्थ शत्रुंजय का कौन सा शिखर है? जल्दी फेसबुक से जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट फटाफट कमेंट में, आपको अगर आंसर पता है तो लिखिए आपका नाम. और जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ लिखते लिखते दूसरा शिखर, नहीं रॉन्ग, दूसरा नहीं है. कौन बता सकता है? पूर्णिमा बेन बोलो. पांचवा शिखर गिरनार तीर्थ को बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे हमारे कुसुम जी से, कुसुम सिंघवी जी, अनम्यूट हो जाइए कुसुम जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेमिनाथ दादा जो गिरनार तीर्थ में विराजमान है, उनकी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? गिरनार तीर्थ मंडन नेमिनाथ दादा की प्रतिमा की ऊंचाई नहीं पता है कुसुम जी को? फेसबुक से हमें जितने देख रहे हैं किसी को पता है? सर पहले दो ही लिखो, तीसरा हो जाएगा एक्स्ट्रा रहेगा. नहीं पता है, चलो और किसे पता है? आप सबको होमवर्क करना होगा नेमनाथ जी के बारे में, गिरनार जी के बारे में रीडिंग करना शुरू करो जहां जहां से जो भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं. आंसर है
61 inches, 61 inch ऊंची प्रतिमा छे, 61 inches. जल्दी कम ऑन ऑन फेसबुक, हु ऑल आर वॉचिंग, यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. थर्ड क्वेश्चन है, नेमिनाथ दादा की जीवित प्रतिमा किसने भरवाई थी? नेमिनाथ भगवान की जीवित प्रतिमा की जो अभी सहसावन में विराजमान है वो किन्होंने भरवाई थी? और इसका आंसर हमें कौन देगा? अल्पाबेन देंगे, हमारे भावनगर वाले. बोलिए अल्पाबेन. कृष्ण महाराज. वेरी गुड, वेरी गुड. खूब खूब अनुमोदना. कृष्ण महाराजा ने जीवित प्रतिमा नेमिनाथ भगवान की पराई थी कि जो अभी सहसावन में प्रतिबिंबित की हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कुंड है, गजपद कुंड. अगर आपको पता हो तो नेमनाथ जी के साथ, गिरनार जी के साथ गजपद कुंड का बहुत ही ज्यादा महत्व दिखाया गया है. और गजपद कुंड के बारे में बोला जाता है कि जब वहाँ पर जो पानी आता है, उस पानी से अगर हम थोड़ा सा उसका जल छिटकते हैं अपने ऊपर, जरा सा वो पानी अगर पीते हैं, तो हमारे सर्व प्रकार के रोग नाश होते हैं. ये इसका महत्व है. साथ साथ में जिनको भी पेट रिलेटेड तकलीफ है, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए खास, प्रसूति में बहुत शांति मिलती है इस कुंड के पानी को खाली एक छांटा यहाँ पर छिड़क देने से, पेट के ऊपर छिड़कने से. सो ऐसा हमारे बाह्य रोग जो हमारे फिजिकल बॉडी में है उसका कचरा नाश होता है, और हमारे अंतर के रोग जिसको हम कर्म शत्रु बोलते हैं, वो कर्म मल का भी नाश गजपद कुंड के जल से होता है. तो ऐसा गजपद कुंड और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ओपनली पूछ रही हूँ, आप हैंड रेज करना, पता हो आंसर तो, कि गजपद कुंड में कितनी नदियों का पानी आता है? गजपद कुंड में कितनी नदियों का पानी आता है? क्विक क्विक. हाँ नहीं ना बेन, बोलो. 14,000 થી વધારે નદીઓનું પાણી આવે છે. ખૂબ સરસ, બહોત બહોત અનુમોદના. 14,000 પ્લસ, 14,000 સે ભી જ્યાદા નદીઓ કા પાણી ગજપદ કુંડ કે અંદર આતા હે, ઓર ઉસી પવિત્રતમ પાણી સે પરમાત્મા નેમિનાથ જી કા પ્રક્ષાલ ભી હોતા હે. ઓર મેરા અંતિમ પ્રશ્ન, ઇના બેન દેંગે આન્સર, કે અધિષ્ઠાયિકા દેવી कौन से हैं गिरनार जी के? अंबिका देवी. अंबिका देवी. और एक क्वेश्चन उसी के साथ रिलेशन में, कि हम बोलते हैं सिद्ध भगवंत, तो ऐसे कौन से सिद्ध भगवंत है जिनका जिनालय पूरे विश्व में गिरनार पर्वत पर एक ही है? कौन से सिद्ध भगवंत है, नाम आपको पता है? थोड़ा सा सोचिए. चलो ठीक है, बताओ पूर्णिमा बहन. रहनेमी जी की एक ही प्रतिमा है पूरे वर्ल्ड में, और वो सिद्ध भगवंत है, और उनकी प्रतिमा का स्थापना गिरनार तीर्थ के ऊपर किया हुआ है. सो एकमात्र जिनालय ऐसा है कि जो गिरनार तीर्थ पर सिद्ध भगवंत का रखा हुआ है, बनाया हुआ है. So, बहुत सारी बातों को करते हुए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ नॉलेज हमें हमारे गिरनार के बारे में, हम बोलते हैं ना फील गिरनार, तो वो फील गिरनार तभी होगा जब हमें ये सब नॉलेज भी होगा. तो आशा है कि आपको इसमें से बहुत नॉलेज मिला होगा, और एक स्तुति या फिर स्तवन जिन्होंने रेडी किया हो कृपया हाथ ऊपर करें. तो एक पहले नहीं, अभी दो लेंगे, फर्स्ट टू एंड देन विल स्विच टू अवर नेमी भक्तामर. कौन गाएगा? ओके चलो, सुकेशा बेन. वेलकम सुकेशा जी. जय जिनेंद्रा. जय जिनेंद्रा. बाल ब्रह्मचारी नेमनाथ समुद्र विजय विस्तार, शिवा देवी नो लाड़को राजुल वरी बरी थारे, आव्या नेम जी पसुरो मांड्यो पुकार, मोटो को लाहाल थयो नीम जी करी विचार, तो परणू राजूलनी गाय पसुना प्राण, जीव दया मन मावसी
दादी की दुकान तो जने की जक फेर रियो साजुल मोरी चित थाय आखे आंसू डावहे लागे नी मजने पाय तो गले आपू महारा पाछा वड़ो एक बार निर्दय थयो वाले मो की तो मारो परिहार ही जबो के बीछड़ी मरे बरसी में हा राजुल आव्या साथ मां वैराग्या बिंज देह संयम लई के वड़वर्यो मुक्ति पुरी मा जाया नेमर राजुल नी चोड़ने नाने नाम सुखदाय नाने नाम सुखदाय बोलो श्री नेमनाथ भगवान की जय। वाह वाह, खूब 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 अनुमोदना सुकेशा बेन ने। सुकेशा बेन हमारे नवसारी से है और बहुत भक्ति करते हैं। वेरी लाउड क्लैपिंग फॉर सुकेशा बेन। बहुत 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 सुंदर उन्होंने भाववाही प्रस्तुति करी है। सो थैंक यू सुकेशा बेन। और एक फटाफट से दीपिका जी हमारे राजकोट वाले पधारिये। दीपिका बेन आवाज आवे छे ने? एकदम सरस। यदुवंश समुदेन्द्र कर्म कक्ष उतासन अरिष्ट नेमी भगवान पुयादो वरिष्ठ नाथम राजुल वरनारे रूपति रतिहारी तेहना परिहारी बालते ब्रह्मचारी पशु आउगारे वाचारित्र तारे केवल श्री सारी पामिया का तिवारी। खूब सरस, खूब सरस। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग फॉर दीपिका बैंड। बहुत सरस रीते हमने गायू। सो थैंक यू। अने एक बे लीटी नैना बेन तमे पण लई लियो। स्तवन छे। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। सुनो सैयर मोरी जो अटारी आवे छे ने मकमा शिवा देवी नो नंद छे वालो समुद्र विजय छे तार कृष्ण मोरारी नो बंधु वखाणु यादव कुल मोचार प्रभु ने मविहारी बाल ब्रह्मचारी जुओ अतारी आवे छे ने मकुमार अंग जफर के जमणो रे बेनी अपशु कन मने तार नक्की ज वालो पाछो ज वर्षे नहीं ग्रहे मुझहा मने थाय दुख भारी कौशु आवारी जुओ तारी आवे छे ने मकुमा परणु तो बेनी ते हने परणु अवर पुरुष भाई बाप हाथ न ग्रह से मारो के तेहनो मस्तके मुकाऊ हाथ हूँ तो थाउ व्रत धारी बाळ कुमारी જુઓ અટારી આવે છે ને મકુમાર લવ હજી આગળ છે લવ કે બસ આટલું છે તમારી ઈચ્છા કરો કન્ટિન્યુ વાંધો નહીં સંયમ ધારી રાજુલ બેની ચાલ્યા ઘર ગિરનાર માર્ગે જાતા મેઘ જી પધાર્યા બિંજાય સતી નાચી ગયા ગુફા મોજારી મન માં વિચારી જુઓ અટારી આવે છે ને મકુમાર ચીર સુખવે છે રાજુલ બેની નગ્ન પડે તેણી વાર રને મી મુનિવર કૌશગ ધ્યાને રૂપે મોયા તેણી વાર સુણો ભાભી અમારી થાઓ ઘર નારી જુઓ અટારી આવે છે ને મકુમાર વમેલા હરની શું કરવો છે સુણો દિયર મોરી વાત મુજને વમેલી જાણો દિયરજી
साने खोच व्रत चार हूँ तो दूसण टाड़ी पाड़ू आवारी जुओ अटारी आवे छे ने मकुमार चर्म शरीरे मोक्ष सीधाव्या साध्या आतम कार वीर विजय आवारी गुण गाय भारी छुओ अटारी आवे छे ने बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। ખૂબ સુંદર ભાવવાહી શબ્દોની અંદર નૈનાબેને બહુ સરસ રીતે વર્ણન કર્યું છે કે નેમ રાજુલ અને જ્યારે રાજુલજી વિરહની વ્યથામાં છે, જબ રાજુલજી કો વો દેખ રહે હૈ કે નેમ કુમાર કી જાન આ રહી હૈ ઓર જબ જાન આને વાલી હૈ ઓર તબ નેમજી વાપિસ જાતે હૈ તોરણથી રથ પાછા વળ્યા। और वहीं से हमारे नेमी भक्तामर की भी शुरुआत होती है। तो कल हमने चार गाथाओं को सुना था, आज पांचवी गाथा से आगे बढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हो सके तो नेमी भक्तामर की आप हमें कुछ लिख के या पीडीएफ फॉर्म में भी देना, तो आई एम ट्राइंग हार्ड कि कुछ टाइपिंग करके या समथिंग आई कैन गिव। सो गिव मी 4-5 days टाइम, डेफिनेटली विल ट्राई टू गिव। अभी जितना मैं संस्कृत में बोलती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हाथ जोड़ के मन के अंदर जय नेमिनाथ जय नेमिनाथ जय नेमिनाथ बोल सकते हो। और हमारी जो भावधारा है 36 गाथाओं तक, नेम राजुल राजुल जी विनंती कर रही है नेमी कुमार को, परमात्मा नेमी नाथ को, कि हे नाथ आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, भवो भव की आपके साथ मेरी प्रीत लड़ी है, इस प्रीति को आप छोड़ के जा रहे हैं, आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, हे नाथ मत जाओ मेरे नेमी नाथ मत जाओ। ऋषि भाव श्रृंखला में पांचवी गाथा नेमी भक्तामर के अंदर कुछ इस तरह से है। भद्रम चकार्थ पशवे पियथा तथा त्वम् तृणम कृपा परममेव सूक्ष्मण ऋष्टां श्रितं खलु दवो महिला समन्तु नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। नमो नमः करते हुए नेमिनाथ भगवान को मस्तक झुकाते हुए कि इस गाथा के अंदर, पांचवी गाथा के अंदर क्या भाव दिखाया हुआ है भाव प्रभु सुरेश्वर जी ने। तो राजुल रतिहारी राजुल देवी राजुल रानी बोलते हैं, हे दयानिधि जिस तरह से पशुओं के प्राणों की रक्षा करना, उनके ऊपर दया करना, उनका कल्याण करना सभी क्षत्रियों का धर्म है, वैसे ही मैं भी अबला नारी आपके द्वार पर खड़ी हूँ। मैं भी विरह की वेदना से, क्योंकि आप मुझे छोड़ के गए हैं तो मेरे अंदर बहुत विरह है, मैं आपको चाहती हूँ नाथ और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं भी विरह की वेदना से मृत्यु की कगदार पे खड़ी हूँ, मृत्यु का दरवाजा खटखटा रही हूँ, तो क्या आप मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र नहीं आएंगे। ये प्रश्न राजुल रानी पूछ रहे हैं कि अपने बच्चे को बचाने के लिए तो माँ भी दौड़ी जाती है, चाहे वो बच्चा बहुत अपराधी भी क्यों ना हो, चाहे बोलते हैं ना कि माउतर कमाउतर न थाए छोरू कछोरू थाए, बच्चा चाहे कुछ गलत कर सकता है बट एज अ पेरेंट एज अ माता पिता हम कभी भी उसका बुरा नहीं चाहते हैं। तो क्या नाथ आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, आप मुझे बचाने के लिए अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए तीक्ष्णम वचोप्यभिहितम् माया काहितम् यत् तत्ते भविष्यति तराम् फलवृद्धि सिद्ध्ये यद्हि निधाम तपति शभ्रुशं निदार्दे तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतुम्। इस गाथा के अंदर वर्णन किया हुआ है कि हे नाथ
ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य किरणों के सामने आम को क्या प्राप्त होता है? आम बहुत तपता है गर्मी में, तो उसकी मंजरी में से आम बन जाता है। सूर्य की किरणें जैसे ही आम के वृक्ष के ऊपर पड़ती है तो वो मंजरी फोरम के आम बन जाती है। उसी तरह कठोर, शायद मेरी ये जो वाणी है, शायद मैं जो आपको बोल रही हूँ, ये मेरी वाणी कहीं ना कहीं कठोर है, पर हितकारी है आपके ही राज्याधिक समृद्धि के लिए, सुख रूपी मीठे फल को प्राप्त करने के लिए हितकारी है। तो हे नेम रुक जाओ, हे नेम वापिस आ जाओ। इस भावना से राजुल रानी बुलाती है नेमनाथ भगवान को। राजुल के हृदय के अंदर विरह की व्यथा है, वेदना है कि नेम आप क्यों वापिस चले गए, और विरक्ति का भाव भी इसी वेदना से जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? बहुत अच्छे अलंकारों की भाषाओं के साथ इस स्तोत्र के अंदर, इस काव्य के अंदर पाव प्रभु सुरेश्वर जी ने बताया हुआ है। तो सातवीं गाथा के अंदर कष्ट निवारक नेमिनाथ, आगच्छ कच्छ हर रच्छय चित्र पुंख लक्षीकृता कृशतनु क्षम रक्षमात्वम् त्वत्संगमे क्षयमुपै श्यति मेति दुःखम् सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे कष्ट निवारक, हे स्वामी आप आओ, मैं दुर्बल देह वाली आपके वियोग की वेदना से दुख रूपी अंधकार के अंदर बावरी बनी फिर रही हूँ, आपको ढूंढ रही हूँ। बस अब तो जैसे ही रात्रि जो अंधेरा है वो एक सूर्य की किरण पड़ती है और प्रकाश 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 दे दीप्यमान हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन मेरे दुख रूपी अंधेरे को सुख रूपी ज्योति के अंदर, सुख रूपी प्रकाश के अंदर प्रज्वलित कर देगा। हे नाथ आप मेरे जीवन में आओ, हे नाथ आप वापिस आओ, मेरे हर प्रकार के कष्टों का निवारण आपके ही माध्यम से, आपकी ही भक्ति से, और आप मेरा स्वीकार करो तभी होगा। इस भावधारा के साथ आठवीं गाथा में आगे बढ़ते हैं। उद्यति दन दना धन गर्जिते ही भोग भावी ते न बसी नौ न बसी न देहे धर्मोत्कटादिरिवदन्तुरतां विषिणो मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः। मस्तक को झुकाते रहिए कि हे नेमिनाथ दादा, राजुल रानी आपको विनंती कर रही है कि क्या? तो हे स्वामी, श्रावण महीने में जब आकाश मोर की आवाज से मिश्रित चमकती बिजली से सुशोभित हो जाता है, शोभायमान हो जाता है, और जब मेघराज की गर्जना सुनते हैं तो मेघराज की गर्जना के साथ वो जो तीव्रता है, जो उष्णता है, वो शांत होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे हे स्वामी आप मेघ के समान हो, मेघ के समान श्याम हो, क्योंकि गिरनार के नेमिनाथ दादा नीलवर्णी है। नेमनाथ भगवान का वैसे वर्ण भी नील वर्ण बताया हुआ है, तो नील वर्ण श्वेत वर्णी नील वर्णी यानी कृष्ण वर्णी नेमिनाथ भगवान, और मेघ के समान देह वाले आप, और बिजली के समान चमकती हुई मैं, आप क्या इस प्रभा को धारण नहीं करेंगे? ये प्रश्न राजुल रानी पूछ रहे हैं। आगे चलते हुए नौ नंबर की गाथा कि ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं, तो नौ नंबर की गाथा के अंदर उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है। पश्ये दृशेति सखिताम मदनादरह किं नृत्यन्मयूरनिकरो दवशब्दघण्टा मैत्र्या भवन्ति भगवन् प्रभया प्रकर्ष।
पद्माकरेषु जलजानिविका शभांजी। मतलब हे ज्ञानी पुरुष, निमिनाथ दादा को एक विशेषण से, हर एक गाथा के अंदर एक एक विशेषण दिया है कि हे ज्ञानी पुरुष, आपके जितना जो समर्थ इंसान है, जो समर्थ उत्तम उत्तम एक राजा है, जो श्याम बादलों की हारमाड़ा को देखकर मोर का वृंद भी नृत्य करने लगता है। क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जब भी मेघ आना होता है, बारिश की शुरुआत होती है, तो मयूर नाचने लगते हैं, मोर एकदम खुश हो जाते हैं, पूरी कड़ा करते हैं और कड़ा करके नाचते हैं, तो मोर का वृंद भी नृत्य करने लगता है और सूर्य की प्रभा के प्रभाव से सरोवर में कमल का समूह भी विकसित होने लगता है। तो देखो अब मित्रता कैसी है, सूर्य के साथ, सूर्य की किरणों के साथ सरोवर के कमल, मेघ के साथ मोर की। तो हमारी मित्रता, हमारी प्रीति तो जन्मों जन्म की है। तो इस जन्मों जन्म की प्रीति को छोड़ के आप जा रहे हो, बहुभर्व की प्रीति स्वरूप हमारी मैत्री होने के बावजूद भी आप क्यों अनासक्त हो रहे हो, ये प्रश्न राजुल रानी पूछ रही है नेमि प्रभु से। तो 10 नंबर की गाथा में रोते हुए राजुल रानी विनंती कर रही है, किं त्वं सनैव चलका गति का तवैषा जन्या प्रसूर्जनयिता सहजाश्च जामि श्यामाप्यहं च इति वर्गमिमं विवाह उत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे मेरे चंचल चित्त के मनोहारक स्वामी, बाराती, माता पिता, भाई बहन आदि स्वजन तथा रूप और लावण्य से युक्त मैं नव युवती आप सब आपके लिए उपस्थित है, इसके बावजूद भी आप मेरा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न उनको चिंतित कर रहा है। कि क्षत्रिय का तो धर्म है, क्षत्रिय का तो धर्म है कि अपनी शरण में आए हुए को अपने आश्रित की रक्षा करना, तो आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो, आपका आपके आगमन से मुझे भी तो कुछ लाभ दो स्वामी। ऐसा बोलते हुए 11वें नंबर की गाथा की, जो 11वें नंबर की गाथा हमारा भक्तामर महास्तोत्र है आदिनाथ भगवान की, जिसके अंदर हम लखलूट भक्ति करते हैं, पूरा भक्तामर हीलिंग मैंने जिस माध्यम से, जिस आलम्बन से बनाया, वही गाथा 11वें नंबर की गाथा यहाँ पर नेमि भक्तामर के अंदर भी मूल स्तोत्र से ली हुई है। दृष्ट्वा वयं भवतमानिमिनेश विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति मदीय चक्षु पित्वा पया शशिकर द्रुति दुग्ध सिंधौ क्षारं जलं जलनिधे रशितुं कैच्छे। 11वें नंबर की गाथा बोलती है, राजुल रानी बोलती है कि हे मेरे नाथ, अनिमेष नयन से मैं आपको निहार रही हूँ। हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं, हम लोग जब देरासर में पूजा करने जाते हैं, तो हम परमात्मा को कैसे देखते हैं, आप पलक नयनों से देखते हैं कि हे परमात्मा, आपकी करुणा मेरे जीवन में सदा सर्वदा बरसती रहे। तो ऐसे ही अनिमेष नयन से आपको निहारने के बाद मेरे नेत्र युग्म, मतलब मेरी आंखें कहीं भी दूसरी चीज को देखकर प्रसन्न नहीं होती है, कहीं भी संतुष्टि नहीं होती है। क्या चंद्र किरण की प्रभा वाले क्षीर समुद्र का जलपान करने के बाद कोई लवण समुद्र के खारे पानी का आस्वाद लेगा? अगर हमें मीठा जल मिलता है तो क्या हम सागर का खारा जल पिएंगे? नहीं पिएंगे। तो ऐसे इस गाथा के साथ हमको एक उपदेश मिल रहा है कि हमें हमारे जीवन में कैसी दृष्टि विकास करनी चाहिए। आज जैसे हमने बात की लेट गो की, फॉरगिवनेस की,
मिच्छा में दुक्कड़म कब करना है वो तो समझ में आ गया। मिच्छा में दुक्कड़म हम कर भी रहे हैं, पर हम बोलते हैं ना, जैसी हमारी दृष्टि वैसी ही हमारी सृष्टि। तो हमारे अंदर ये इतनी सारी भक्ति आदिनाथ दादा की करते 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 आदिनाथ मई बनना है। आदिनाथ दादा हमें जल्दी जल्दी पालीताना बुलाओ, जल्दी जल्दी शत्रुंजय के पास बैठ के हम आपकी स्तवना करें, हम आपकी भक्ति करें, हम आपकी पूजा करें। और उसी शत्रुंजय का पांचवा शिखर यानी कि नेमिनाथ परमात्मा का गिरनार जूनागढ़, और इस गिरनार मंडन नेमिनाथ को भी हमें यही विनंती करनी है कि हे दादा, जल्दी से जल्दी हमारे कर्मों का क्षय करके सबसे पहले हमें क्या मिले? तो सबसे पहले हमें मिले विरति रूपी सुख, क्योंकि दीक्षा लिए बिना बाकी की सारी चीजें कहीं ना कहीं असंभवित है। जब तक संसार में है कुछ ना कुछ राग द्वेष जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन्स के रूप में आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो इस परमात्मा से, इस 11वें नंबर की गाथा के माध्यम से और हमारी पूरी भक्ति के माध्यम से हमें मांगना है कि सबसे पहले तो दादा, इस संसार में रहते रहते ही हमारे अंदर किस दृष्टि का विकास हो? तो हमारे अंदर गुण दृष्टि का विकास हो, हमारी सारी दोष दृष्टि नाश हो, राग द्वेष को हम छोड़ सके। करोड़ों का नुकसान हो जाता है फैक्ट्री में, करोड़ों रुपया लेके भागीदार चला जाता है, और अगर तब भी हम हमारी समाधि टिका के रख सके तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की शक्ति का। आपका बेटा बिजनेस कर रहा है और शायद नहीं होगा, पर एक्स वाई जेड का बेटा बिजनेस कर रहा है और उसने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, तो एज अ पेरेंट सबसे पहले उसको सपोर्ट किसका चाहिए? पेरेंट्स का ही चाहिए। तब हमें साक्षी भाव रख के उसको समझाना है, बताना है, और धीरे धीरे जो फॉल डाउन हुआ है उसको अप ले कराना है। तो तब हमारी दृष्टि क्या होगी हमारे ही परिवार में, हमारे ही बेटे के लिए, कि कोई बात नहीं, तुमसे जो गलती हुई है हो गई है, उसका तो अब हम कंट्रोल जेड नहीं कर सकते हैं, पर अब आगे की लाइफ में क्या, आगे हम उसको टोकते रहेंगे बार बार बार? आपकी बहू दो चार चीज अगर गलत कर देती है, उसका रसोई में अच्छे से स्वाद नहीं बन पा रहा है, आप जैसी दाल वघारते हो वैसी उससे दाल नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे? उसको बार 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 टोकते रहोगे तो राग द्वेष और बंधेंगे। उसको समझाओ, उसको अपनी बेटी बना के उसको बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी ये गलती है, और एक बार समझाने पर सब उसको आ ही जाना चाहिए, वैसा भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। शायद किसी को दो बार तीन बार चार बार में आता हो। हम खुद देखते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं वैसे वैसे पावरफुल होते जाते हैं। आपने खुद ने महसूस किया होगा, हमने जब फर्स्ट टाइम जीवन में रोटी बनाई थी तब एग्जैक्ट गोल जो आज बनती है वैसे ही बन गई थी, पहली बार में पहली रोटी किसी की नहीं बनी थी। हम बिजनेस कोई भी शुरू किया, हम व्यापारी है, हमने बिजनेस शुरू किया, डे वन से 1 करोड़ का मुनाफा शुरू हो गया था, नहीं हुआ था ना? 100 रुपया 200 रुपया का मुनाफा से चीज शुरू हुई, छोटी मोटी जाडी रोटली बनी, पतली बनी, कुछ कुछ नक्शा बन गया, फिर धीरे धीरे रोज रोटी बनाई 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 बनाई, और अब ये परफेक्शन आ गया कि अब प्रॉपर गोल रोटी हमसे बन रही है। तो वहां पर हमारी प्रैक्टिस जब थी तो उस चीज में परफेक्शन आया, और ये कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फिर आपका जीवन का कोई भी फील्ड हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब कर रहे हो, तो भी यू नीड प्रैक्टिस। आप होम मेकर हो, आप घर के सारे काम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, तो भी यू नीड प्रैक्टिस। आप ड्यूअल ड्यूटी कर रहे हो, आप होम मेकर भी हो एज अ लेडी, एज वेल आप बाहर की जॉब भी कर रहे हो, कोई सामाजिक क्षेत्रों के अंदर भी जुड़े हुए हो, एवरीवेयर दिस थिंग अप्लाइज इक्वली कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। एंड टू बी परफेक्ट हमें हमारे लिए सबसे पहले और साथ साथ में दूसरों के लिए कौन सी दृष्टि का विकास करना है? तो गुण दृष्टि का विकास करना है।
सामने वाले के अंदर जो जो चीज अच्छी है, जो जो चीज पॉजिटिव है, उसको अपने लिए ले लो, एक्सेप्ट कर लो और आपके माध्यम से दूसरों को देने का प्रयास करो। खाली हमको अपने तक लेकर नहीं बैठ जाना है। ये नेमी भक्तामर तो मैंने बहुत साल पहले सीखा था, देखा था, पता था, पर वो मैं मेरे पास ही रख कर बैठ जाती तो कहीं ना कहीं शायद मुझे ये सौभाग्य नहीं मिलता कि एक साथ आज 200 से 200 लोग नेमी भक्तामर का अभ्यास कर रहे हैं। कल मुझे रियली आई फील इमेंस ग्रेटिट्यूड टू डिक्लेयर कि कितने सारे लोगों के मैसेजेस आए कि दिस इज टोटली न्यू, हमने कभी सुना ही नहीं था कि नेमनाथ दादा का भी भक्तामर है, नेमी भक्तामर करके कुछ एग्जिस्ट करता है, वो आपने हमें दिखाया, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। तो ये चीज मेरे लिए तो बहुत आनंद की बात है कि जो मेरी नानी मुझे देकर गई थी आज सालों पहले कोई ग्रंथ के अंदर कि ये इसमें ऐसा है, मैंने तो पढ़ के रख दिया था, कभी लाइट भी नहीं हुई कि ये कभी मैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, इतना अच्छा माध्यम मिलेगा कि मैं बहुत इजीली सबको सब कुछ बता पाऊंगी। बट कुछ तो दादा का ही चमत्कार रहा होगा कि दादा ने बोला कि नेमीनाथ भगवान की भी भक्ति करो और शुरू करा हमने नेमी भक्तामर। और रियल में आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के अमेजिंग, एक बेस्ट फीलिंग मुझे आती है कि बस ऐसे ही हम लोग जुड़े रहें और भक्ति भाव के अंदर एक दूसरे का उत्थान करते रहे। आप कुछ चार चीजें मुझे नहीं सिखाओ, मैं चार चीजें आपको नहीं सिखाऊं और हम सब साथ में भक्ति के साथ साथ जीवन में आगे बढ़े। तो हमारे अंदर हमें कौन सी दृष्टि का विकास करना है, तो हमारे अंदर हमें गुण दृष्टि का विकास करना है। देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि इवन मी आई वॉज नॉट नोइंग कि नेमी भक्तामर है। फेसबुक में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आई वेलकम वंस अगेन हु ऑल आर वॉचिंग ऑन द फेसबुक एंड राइट डाउन योर नेम। जय आदिनाथ, जय नेमीनाथ, जय आदिनाथ, जय नेमीनाथ का कमेंट तो आपको जरूर 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 डालना है। जब भी क्वेश्चनेयर होता है तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखने हैं। और आपको सबको कॉमनली बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई भी प्रश्न गिरनार के बारे में, नेमीनाथ भगवान के बारे में है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कमेंट में लिखें, फेसबुक के ऊपर यहाँ पर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को भेजें और मैं मेरा मैक्सिमम ट्राई करूँगी। नहीं पता होगा तो गुरु भगवंतों से मार्गदर्शन लेकर मैक्सिमम ट्राई करूंगी कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन को मैं पहुंचा सकूं। तो जय नेमीनाथ, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ चलो गिरनार गुंजन में आगे बढ़ते हैं। और आज हम ध्यान करने वाले हैं शांतिनाथ भगवान का। शांतिनाथ परमात्मा जिनकी कथा ही एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल हमें देती है। एक लाइन में बोलूं तो एक कबूतर का जीव बचाने के लिए वो शिबी राजा अपने पैर का मांस काट के भारो भार जब दे सकते हैं, तो वो परमात्मा कितने दयालु होंगे कि हमें लख लूट आशीर्वाद देते हैं शांति के, लख लूट आशीर्वाद देते हैं पुण्य के, और लख लूट आशीर्वाद देते हैं कि हे भव्यात्मा, हे पुण्यात्मा, आप भी अपने कर्मों को छोड़ के मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भावना के साथ जीवन के अंदर हम बोलते हैं ना कि मन में शांति, तन में शांति, देश नगर घर घर में शांति, ऐसे शांतिनाथ परमात्मा की ऊर्जा को आज हमें हमारे अंदर हमारे जीवन में बसाना है। तो चलिए शांतिनाथ परमात्मा का गुणगान करते हुए मेडिटेशन करते हैं पीस ऑफ माइंड का। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेटल डाउन क्विकली, आपका वीडियो हो सके तो ऑन कर दीजिए। और एक क्वेश्चन जो फिर से आज ओपनली ही पूछ रही हूँ, जिसका आंसर एक्चुअली आज मुझे देना था पर अब नहीं दूंगी, आपके लिए है, विच चक्र इज कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। विच चक्र, बहुत सोचना, तुरंत से क्राउन चक्र मत बोल देना क्योंकि क्राउन चक्र तो है ही है, तो फटाफट अभी कमेंट में क्राउन चक्र आएगा तो पहले ही बोल देती हूँ कि तुरंत से क्राउन चक्र मत बोल देना। क्राउन चक्र है 100% गारंटेड, इट इज देयर, पर उसके अलावा एक ऐसा कौन सा चक्र है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। बहुत सारे लोगों को हमने चक्र की पूरी साधना मैंने सिखाई है
और आगे भी मैं चीजों को बताने वाली हूँ, चक्रास का पूरा कोर्स लेकर भी मैं आ रही हूँ, पर आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कल तक आपको सोच के मुझे देना है। वैसे तो साथ के साथ चक्र के नाम हमारे लोग लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है थ्रोट चक्र, कोई लिख रहा है आज्ञा चक्र, मणिपुर चक्र, सातों के सातों चक्र के नाम तो सभी लिख ही रहे हैं, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू रिसर्च ऑन इट कि जल्दी से आप लोग सर्च करें, अपने ध्यान के अंदर देखने का प्रयास करें कि कौन सा ऐसा चक्र है जो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट 1000 गुना फास्टर कर देता है। एक बार एक नौकार गिनूं और जो पुण्य हो, उसी चक्र के एक्टिवेशन के साथ वही नौकार मुझे वही पुण्य का 1000 गुना ज्यादा फल देता है। अभी आपके लिए टाइम है कल तक का आंसर कमेंट के अंदर, अभी कुछ आता है तो जरूर लिख दीजिए और नहीं आता है तो सोचिए। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। हमारे दक्षा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कविता जी, प्रवीणा जी, भाविका मेहता जी लिख रहे हैं मूलाधार चक्र, अब ढूंढिए भाविका जी। स्मिता जी लिख रहे हैं वी केम टू नो फर्स्ट टाइम। जी स्मिता जी, सो दैट इज व्हाट, नो इट इज माय प्लेजर कि रियल में मैं कुछ नया दे पा रही हूँ और हम कुछ साथ में मिलके सीख पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सेटल डाउन फॉर द मेडिटेशन एंड क्विकली 10 मिनट्स का मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड वी आर गोइंग टू डू। सो शांति से सेट हो जाइए, आंखें बंद, कमर से टट्टर, और पूरे मेडिटेशन में बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे। एंड आफ्टर द मेडिटेशन आज पहली 3 राशि के कुछ ऐसे मंत्र देने वाली हूँ छोटे छोटे, कि उस मंत्र को गिनने से आपको आपकी राशि का बहुत ज्यादा फल मिलना शुरू हो जाएगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आंखें बंद, मन के अंदर सतत 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 शांतिनाथ परमात्मा का ध्यान, निमिनाथ परमात्मा का ध्यान, और विजुअलाइज करें कि शांतिनाथ परमात्मा, जहां जहां पर भी आपने शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, मूल नायक के रूप में आपके घर में, संघ के अंदर, देरासर में जहां पर स्थापित है, ऐसे शांतिनाथ भगवान को याद करें। हे शांतिनाथ दादा, मुझे जीवन की परम शांति की एनर्जी आप प्रदान करो। इस भावना से हम सभी साथ में मेडिटेशन करेंगे। सांसों को देखें, हर एक सांस के साथ आपके अंदर पावर ऑफ पीस प्रवेश कर रहा है। टेक डीप इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल हर प्रकार की अशांति आपके जीवन में से इस जाती हुई सांस के साथ चली जा रही है, और बहुत 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 शांति की तरंगे शांतिनाथ परमात्मा आपको प्रदान कर रहे हैं। सतत विजुलाइज करें शांतिनाथ परमात्मा को। आज्ञा चक्र के ऊपर शांतिनाथ भगवान शांति की ऊर्जा दे रहे हैं।
आपके मन के तरंग शांत हो रहे हैं, आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है, हर प्रकार के अशुभ विचार, अशांति के वाइब्रेशंस, राग द्वेष की भावनाएं आपके अंदर से दूर हो रही है और बहुत 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 प्यारी प्यारी शांति की महक आपके हर एक चक्रा को पॉजिटिव पावर्स दे रही है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अपने आप को कहें, शांतिनाथ परमात्मा मुझे और मेरे परिवार को शांति दे रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सतत 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 महसूस करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस, वाइब्रेशंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस विच आर कमिंग टू यू फ्रॉम दादा शांतिनाथ, from Dada Neminath. Om Rim Shrim Savishuddha Brahmachari नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं सविशुद्ध ब्रह्मचारी नेमिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं सविशुद्ध ब्रह्मचारी नेमिनाथाय नमः। सतत 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 शांति का आशीर्वाद परमात्मा नेमिनाथ से, परमात्मा शांतिनाथ से आपको मिल रहा है। सतत इस ऊर्जा को महसूस करें और अपने आप को शांत होता हुआ महसूस करें, अपने आप को सतत शांति के वाइब्रेशंस दें। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत आत्मा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। एक बार फिर से शांतिनाथ परमात्मा और नेमिनाथ परमात्मा को मन की आंखों से देखें और महसूस करें परमात्मा की शांति को अपने आत्मा के अंदर। ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं श्री
बहुत शांति से दोनों हाथों के अंदर एनर्जी को जनरेट करें और एनर्जी फ्लो को टॉप टू बॉटम प्रवाहित करके धीरे से आप आंखों को खोल सकते हैं। सो आई थिंक आई होप को आनंद आया होगा। सबको प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। और एक आपका नाम तो नहीं पता पर आपको लेते हैं, ओप्पो A9 2020। आप कुछ पूछना चाहते हैं या दो लाइन्स अगर आप गाना चाहते हैं स्तवन की, यू आर मोस्ट वेलकम। ओप्पो A9 2020 आपका हैंड भी रेज है। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए बहन। हेलो हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, आपने अभी जो कृष्ण महाराजा के द्वारा बताई हुई मूर्ति बताया है जो नेमिनाथ भगवान की दादा की है, तो वो सवन में आता है कि अतीत 24 में सागर प्रभु के समय में इंद्र महाराजा के द्वारा महेंद्र इंद्रदेव महेंद्र ने भरवाई हुई है। अलग अलग जब उद्धार हुए हैं तो उसका पूरा वर्णन आता है कि शुभम चक्रवर्ती ने भी भरवाई है मूर्ति, उसके बाद महेंद्र देवलोक के अंदर वहाँ भी इंद्र महाराजा ने भी भरवाई है। ये जीवित प्रतिमा कृष्ण महाराजा ने भरवाई है और जीवित प्रतिमा की स्थापना सहसावन के अंदर करी हुई है। जो मुख्य नेमिनाथ भगवान है वो तो उसकी पूरी अलग ही कथा है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर उस कथा को भी लेंगे। ठीक तो है? अभी जो मूर्ति है वो कृष्ण महाराजा वाली या 24 इंद्र महाराजा द्वारा बनाई हुई? अभी मूर्ति जो मुख्य जिनालय में है वो इंद्र महाराजा वाली है। सहसावन हाँ। में जो नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है वो जीवित स्वामी है और वो कृष्ण महाराजा के द्वारा भरवाई हुई मूर्ति है। ओके, धन्यवाद जी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ डाउट है या किसी को कुछ बोलना है तो एक को लेकर फिर हम आज की हमारी भावधारा को समापन देंगे। चलिए, कल 2 से 3 लोग आप चाहो तो मोस्ट वेलकम स्तुति या फिर स्तवन गा सकते हैं। कल का जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आपको रेडी रखना है एंड ट्राई टू गिव दैट आंसर, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव दैट आंसर। पूजा बहन, आपने बोला 5वां शिखर गिरना बताया तो मुझे आगे की 4 के बारे में भी जानकारी चाहिए, मुझे याद नहीं है। कौन से अभी आपने क्वेश्चन किया था ना कि 5वां शिखर गिरनार है। हाँ। 5वां शिखर गिरनार बताया ओके, तो मुझे आगे के 4 शिखर के बारे में रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जरूर कल ले लेंगे। ठीक है, चलो आज का हमारा इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़ते, हाँ वर्षा बहन बोलो बोलो। आपे किधो ने 3 राशि माटे नो मंत्र, हाँ भूली गई, थैंक यू। चलो क्विकली इन 2 मिनट्स ऑल ऑफ यू राइट डाउन 3 राशि के मंत्र में लिखवा रही हूँ, रोज 3-3 के लिखेंगे, टोटल 12 राशि हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि, अ ल ई, जिनका भी नाम अ से ल से या ई से शुरू होता है, अ ल ई मेष राशि। और मेष राशि का छोटा मंत्र, ये सारे छोटे छोटे मंत्र है जो खाली बीजाक्षर है, तो उनका मंत्र है ओम एम क्लिम सो। मेष राशि का मंत्र है ओम एम क्लिम सो। दूसरी राशि है वृषभ राशि, ब व उ, जिनका भी नाम ब से व से या उ से शुरू होता है, वृषभ राशि, उनका मंत्र है ओम एम क्लिम श्रीम। फिर से आई रिपीट, ओम एम क्लिम श्रीम। तीसरी राशि मिथुन राशि, क छ ग,
जिनका भी नाम क से या फिर छ से या फिर घ से शुरू होता है, मिथुन राशि वाले लोग, आपके लिए मंत्र है ओम क्लिम एम सो। फिर से रिपीट, ओम क्लिम एम सो। और चौथी राशि है आज की कर्क राशि ड और ह, जिनका भी नाम जिनकी राशि कर्क है, ड और ह से शुरू होता है, आपका मंत्र है ओम एम क्लिम श्रीम, ओम एम क्लिम श्रीम। सो ये छोटे छोटे बीजाक्षर के मंत्र है, बीजाक्षरों को मिलान करके ये छोटे मंत्र बनाए हुए हैं, और इस मंत्र की एक माला करने से आपको आपकी राशि के हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर, धन संपदा की प्राप्ति और सुख सौभाग्य के लाभों की प्राप्ति होती है। तो राशि के हिसाब से सबसे छोटा ये मंत्र है, ठीक है। बाकी की राशियों के बारे में कल बात करेंगे, आज का हमारा टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है। तो चलिए जल्दी से आज का हमारा कार्यक्रम हम यहीं पर समापन करते हैं, और बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट ऑफ द फेसबुक, एज वेल एज आप व्हाट्सएप से पर्सनली भी मेरे से डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे सेशन के दरमियान मेरे से कोई भी गलती हुई हो, कोई भी उच्चारण गलत हुआ हो, तो मन वचन काय करी त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म खामेमि सव जीवे सवे जीवा खमन्तु मे मिथि मे सव भूयेषु वैरं मजनकेणै वैरं मजनकेणै ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कड़म। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलो जिनशासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। चलो मिलते हैं कल जल्दी जल्दी 4 से 5 फेसबुक पेज वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग और हमारी जूम के आईडी के माध्यम से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। थैंक यू सो मच, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।